तो बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अभी जैसे आप हॉस्पिटल में हो और शरीर में दर्द भी है बहुत ज्यादा, तो क्या अभी भी आप उस तल को छू सकते हो जो आप समाधि में, हम बहुत बार आप उसकी बात भी कर चुके हो, तो क्या उस तल पे अभी भी इस पोजीशन में जाना अभी भी आसान है आपके लिए? मैं उस तल से कभी दूर गया ही नहीं, अभी भी और कभी भी इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। मैं उस तल के भीतर सदा ही विद्यमान रहता हूं, उस तल से कभी दूर नहीं जाता। जैसे पूछा कि इतने दर्द में है शरीर, चूकना टूट गया है, इतने व्याधि है, इतना कष्ट है, इतने तकलीफ है, उसके बावजूद भी क्या आप उस दशा में जा सकते हो? तो मैं यही कहूंगा कि मैं उस दशा में सदा से हूं और मैंने उस दशा को कभी भी खोया नहीं। ये प्रश्न आपके मन में आते हैं क्योंकि तो आपने उस तल को कभी छुआ नहीं, लेकिन मैं उस तल से कभी चूका नहीं। अब ये शरीर कष्ट में है, मैं कष्ट में नहीं, मैं इस शरीर को कष्ट भोगते हुए देख रहा हूं। जस्ट एंड विटनेस, मैं साक्षी हूं, मैं इसका दृष्टा हूं कि इस चूकने में दर्द हो रहा है, ये टूट गया है, शरीर में तकलीफ है, दर्द बहुत हो रहा है, दर्द को मैं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं दर्द नहीं हूं, दर्द से मैं अछूता, बेलाग, निर्लिप्त, दूर खड़ा उसको देख। शरीर तड़पेगा, शरीर कष्ट में होगा, है, लेकिन मैं बहुत दूर बैठा, बहुत दूर बैठा, इस शरीर के कष्ट को देख रहा हूं बराबर। ना कभी मैंने उस तल को छोड़ा, ना मैं चाहते हुए भी छोड़ सकता हूं। और जिसने एक बार उस तल को छू लिया, वो उस तल को कभी छोड़ नहीं सकता। ये है मेरे कहने का कुल निचोड़ सार। वो आपने देखी, सही दिशा में, सही दशा में आपने मुझे बोलते हुए सुना, लेकिन शरीर की रुग्ण अवस्था, इस अवस्था में जबकि ये इंस्ट्रूमेंट विकृत हो गया, दर्द में करा रहा, इस अवस्था में भी आपने प्रश्न पूछा, तो जवाब ये शरीर के जरिए मैं दे रहा हूं। इट्स माई माइक, मैं इस माइक के जरिए तो मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट, गले से आवाज निकालूंगा, लेकिन सब कुछ करता हुआ भी मैं इस शरीर की सारी दर्द, पीड़ा, दुख, तकलीफ सबको बराबर निहारता रहूंगा और निहारता रहा हूं। एक भी पल जीवन का ऐसा नहीं आया संबोधि के बाद जब मैंने इसको गवाया हो, छोड़ा हो या भूला हो। एक बार याद आया तो फिर मैं भूल नहीं सका। यही बात गुरुजी कहते हैं कि एक बार अगर वंस यू विल रिमेंबर योर सेल्फ, यू
cannot forget, एक बार अगर आपने याद कर लिया कि आप हो कौन, तो आप उसको फिर दोबारा से नहीं भूल सकते। एक बार तो भूल गए, लेकिन अब अगर हमने अपने आप को याद कर लिया तो हम ये नहीं भूल सकते कि हम जुदा हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा जुदा है और हम इस इंस्ट्रूमेंट के सुख दुख को देखते तो हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। ये सुख में आता है तो हम सुखी नहीं होते, ये दुख में होता है तो हम दुखी नहीं होते, शोक में होता है तो शोक में हमें कोई शोक नहीं होता, पीड़ा में होता है तो हम कोई पीड़ा में नहीं होते। हम हर अवस्था के इसके बराबर साक्षी बने रहते हैं सभी अवस्थाओं में। यह है साक्षी की सही परिभाषा। अब यह साक्षी की परिभाषा आपने मेरे स्वस्थ शरीर के से इंस्ट्रूमेंट से भी सुनी, और अस्वस्थ शरीर जब ये घोर पीड़ा से गुजर रहा है तो भी आपने इसको सुना, लेकिन दोनों अवस्थाओं में मैं इसका साक्षी था और हूं और रहूंगा, और शरीर के जाने के बाद भी शरीर चला जाएगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊं। आई विल बी हियर, यही बाबा नानक ने कहा, आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक उसी में।